सो हम आगे मूव करते आ रहे हैं. जिस फाइल में हम वर्क कर रहे थे, हमने उसे एक्सट्रूड करना सीख लिया, क्विकली मटेरियल अप्लाई किया, विंडोज़ और डोर्स की स्पेस. ज़्यादा तो हमने विंडोज़ की स्पेस बनाई, डोर्स भी मोर और लेस सेम है. डोर्स में जस्ट हमने एक ब्रिज करना है, नीचे हमारे पास स्पेस अवेलेबल है. अब हम जो स्पेसेस हम बना चुके हैं, अगर आपने उसके अंदर डोर्स लगाने हों, ये डोर्स के ऊपर है, बड़ा ब्रीफ सा टॉपिक होगा. और इससे अगला जो होगा वो हमारा विंडोज़ के ऊपर होगा. तो बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं. हम देखते हैं कि किस किस तरह के डोर्स हम लगा सकते हैं, फिर उनके मेथड्स, और फिर उसके अंदर कुछ सेटिंग्स भी हैं, मॉडिफिकेशंस भी हैं. सो बढ़ते हैं 3ds Max की तरफ, ताकि हम फॉर्मली जो है डोर लगाना सीखें. सो ये हमारे पास ड्राइंग है जिस 3D के अंदर जिसमें हम वर्क करते आ रहे हैं. ये हमारे पास कोई भी हाउस प्लान, मटीरियल आप चेंज कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी चेंज किया है, M एंटर करें और हमारे पास मल्टीपल जो है वो मटीरियल्स मौजूद हैं. इसकी हम और सेटिंग्स भी जाके टॉपिक में देखेंगे. सो ये हमारे पास, अगर आपको याद हो, क्योंकि हम काम करते आ रहे हैं इस ड्राइंग में, सो ये हमारे पास बेडरूम की एंट्रेंस है. सो ये हमारे पास इस तरफ हमारा किचन भी मौजूद था. सो कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल हम यही डोर बना लेते हैं. हमारे पास यहाँ अपने दरवाज़ा लगाना है. सो दरवाज़ा लगाने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ मौजूद है, दरवाज़ा नॉर्मली जब हम बात करते हैं 7 फीट 8 फीट तक हाइट होती है, ग्राउंड से वो स्टार्ट होता है. सो हम इसको सबसे पहले सेम जो हमने विंडो के लिए किया है, हम क्विकली प्लेस बना लेते हैं. अंदर से भी सिलेक्ट करेंगे और हम स्लाइस प्लेन कर लेते हैं, ताकि डोर की जो है जगह हमारे पास बन जाए. सो स्लाइस प्लेन पे आए, और डिपेंड करता है 8 रखना है तो हम ये ऑलरेडी देखें 8 पे लाइन आ रही है, 8 करना है तो 8, या इससे हम बढ़ा भी सकते हैं. सो 8 पे ही हम इसको फिलहाल, 8 फीट है, ओके, दिस इज़ ओके, स्लाइस कर देते हैं. तो जैसे हम स्लाइस करेंगे तो ये हम चेक कर लेते हैं. ये स्नैप टूल को हम फिलहाल ऑफ करते हैं. लेट्स सी कि क्या ये स्लाइस हो चुका है. आप नोट करें, यस, दिस हैज बीन डिवाइडेड. अब हमने करना क्या है, सिंपली ब्रिज की कमांड लगाएंगे. अंदर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिंपली जो है हम ब्रिज की कमांड यहाँ पे ऑपरेट करेंगे. और यहाँ से ओके आपने हमेशा नहीं भूलना, ये ओके लाजमी करना है. तो जैसे हम ओके का बटन प्रेस करते हैं, आप नोट करें, सो दरवाजे की जगह जो है यहाँ पर बन चुकी है. अब डोर हमने लगाना है. सो जब भी डोर हम लगाना होगा, रिमेंबर वन थिंग, बहुत मुश्किल होता है रियलिस्टिक व्यू के अंदर डोर को लगाना. सो हमने जब भी डोर लगाना होगा, सो हम Alt W प्रेस करके हमेशा टॉप वायर फ्रेम व्यू में जाएंगे. ये यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. रियलिस्टिक व्यू में डोर नहीं लगाना, बहुत मुश्किल होगा एडजस्ट करना हमें उस डोर को XYZ डायमेंशन में. सबसे आसान ये है, रियलिस्टिक व्यू के अंदर स्पेस क्रिएट करनी है, ब्रिज कर लेना है. और अब हम जा रहे हैं अपने टॉप वायर फ्रेम व्यू, जहाँ पे बहुत आसानी से हम डोर लगा लेंगे. ये हम व्यू के अंदर आ गए. ये हमारे पास, आप नोट करें तो ये दरवाज़ा है जिस प्लान पे हम काम करते आ रहे हैं. ऑलरेडी क्योंकि मैंने ब्रिज की कमांड लगाई है, खुद ब खुद जगह बनी हुई है. सो सिलेक्शन टूल से हम ये व्यू क्लिक करके Alt W प्रेस कर लेते हैं, और ये हम व्यू में आ गए हैं. अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट में. जिस तरह हमने स्टार्ट में देखा था, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट और स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स मौजूद था. सो क्रिएट में हम आ गए, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में थे. यहाँ से हम क्लिक करेंगे डोर. अगेन ऑप्शन आप देखें, क्रिएट एंड डोर्स, डोर्स में आ गए. यहाँ पे और ऑप्शंस भी मौजूद हैं. अब डोर्स में आए तो हमारे पास फिलहाल 3 ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं. किसी भी तरह का हम डोर लगा सकते हैं. सपोज हम स्लाइडिंग पे क्लिक करते हैं, स्लाइडिंग पे क्लिक की. अब मेथड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अक्सर स्टूडेंट यहाँ बहुत सफ़र करते हैं, तरीक़ाकार क्या है दरवाज़ा लगाने का. आपने सबसे पहले डोर लगाने के लिए एक चीज़ तो जो इंश्योर करनी है कि आपकी स्नैप टूल्स ऑन होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑन नहीं होगी तो ये बहुत मुश्किल है आपके लिए कोई भी कॉर्नर पिक करना. सो सबसे पहले हम यहाँ से स्नैप टूल को कर लेते हैं ऑन. अब यहाँ पे अक्सर प्रॉब्लम आती है, बाज़ अवकात स्नैप टूल ऑन भी होती हैं और ये कॉर्नर पिक नहीं हो रहे होते, तो आपने लाजमी स्नैप टूल ऑन करके राइट क्लिक करके चेक कर लेना है कि आपके एंड पॉइंट और मिड पॉइंट क्लिक्ड हों. अगर ये क्लिक नहीं होंगे, जब भी, अगर फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ से इनको ऑफ कर देता हूँ, और अब आप नोट करें तो स्नैप टूल ऑन भी है बट आपके कॉर्नर पिक नहीं हो रहा है. सो यहाँ से हम इन टूल्स को ऑन रखेंगे हमेशा. फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे टॉप में क्लिक करनी है. फर्स्ट क्लिक किया आपने, प्रेस करके रखना है आपने लेफ्ट साइड, और ये आप एग्जैक्टली जब ये यहाँ पर आप आए हैं, जहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर आप रिलीज़ कर दें, फिर आप नीचे लेकर आएँ, और ये नीचे जो अगेन ग्रीन आएगा
यहाँ पे आप रिलीज कर दें, ये आपका डोर जो है वो लग चुका है। और यहाँ पे हम इसकी सिलेक्शन टूल क्लिक करेंगे, अगर ये टूल क्लिक सिलेक्शन नहीं करेंगे तो ये डोर की कमांड एक्टिव रहेगी और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब हम डोर को कर लेते हैं सिलेक्ट, यहाँ से आ जाते हैं मॉडिफाई में और यहाँ पे हम हाइट, हमें पता है हमने 8 फीट छोड़ी है, सो 8 फीट हम इसकी फिलहाल हाइट रख लेते हैं। अब डोर लग चुका है बट क्योंकि हम वायर फ्रेम और टॉप व्यू में हैं तो हमें टॉप व्यू से नज़र आ रहा है। अब हम अगेन आल्ट डब्ल्यू प्रेस करते हैं और हम वापस आते हैं अपने रियलिस्टिक व्यू में। आल्ट डब्ल्यू अब नोट करें, ये देख लें डोर आ चुका है और दरवाज़ा जो है हमारा अब मौजूद है, हाइट ऊपर है, ये घर के ऊपर खड़ा हुआ है। हमने जस्ट इसकी हाइट को नीचे करना है क्योंकि 8 फीट का है, एग्जैक्ट 8 फीट की हमने डायमेंशंस दी हुई हैं। सो हमने सिंपली करना क्या है, दरवाजे को करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, सिलेक्शन टूल से ये हमने सिलेक्ट कर लिया और जैसे सिलेक्ट किया तो डब्ल्यू प्रेस कर देंगे। जैसे डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो ये आप नोट करें तो एक्सेस हमारे ऑन हो गए हैं। सो एक्सेस ऑन है, डब्ल्यू प्रेस है, सिंपली यहाँ पे हम इसको ज़ीरो कर देते हैं क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होना है, 0 फीट। और ये देख लें आप डोर जो है खुद ब खुद एग्जैक्ट अपनी प्लेस पे आ चुका है। अब यहाँ से हम चाहें तो ये आप हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, अभी ये 100% ओपन है, सो इसको हम 50% ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देख लें ये दरवाज़ा बंद हो गया है। अब अगर हम चाहें तो इसको 20% ओपन कर लेते हैं तो ये फिर आप, सो ये आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ये फ्लिप साइड की ऑप्शन मौजूद है, मैनी ऑप्शंस आर देयर, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक डोर है, अब हम क्विकली दूसरा दरवाज़ा लगा के देख लेते हैं जो हमारा मेन गेट है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए भी हम आल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे और व्यू चेंज करेंगे, ये हमारा व्यू है दरवाजे में। अब मेन गेट में तो हमें ज़रूरत भी नहीं है स्लाइस प्लेन करने की, 7 फीट दीवार की हाइट है, 7 फीट ही गेट की हाइट होती है। सेम डोर्स में आके और यहाँ पे हम सपोज ये चेंज कर लेते हैं, हम पिवट टाइप लगा लेते हैं, मेथड सेम है, फर्स्ट हम क्लिक करेंगे और मूव करेंगे, प्रेस करके रखेंगे सेकेंड और यहाँ पे हम ओपन कर देंगे इसे, दरवाज़ा लग चुका है। व्यू चेंज करते हैं, सिलेक्शन टूल में क्लिक कर लेते हैं और आल्ट डब्ल्यू और यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन डोर लग चुका है, ओपन भी है, इसको क्लिक करते हैं, डब्ल्यू प्रेस कर लेते हैं ताकि एक्सेस ऑन हो और हम यहाँ पे इसको भी, ये भी ज़ीरो से स्टार्ट होगा, 0 फीट हाइट से ये डोर आ चुका है। अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये बाहर क्यों है, क्योंकि ये ओपन है। तो हम मॉडिफाई में आके अगर आप चेक करें तो यहाँ पे अभी ये टोटल तकरीबन 180 डिग्री पे जो है वो ओपन है, सो लेट्स मेक इट 90। तो आप नोट करें ये थोड़ा सा क्लोज होने लग गया है, अब इसको हम 30 कर लें तो ये मज़ीद क्लोज़ हो रहा है। और अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे ये डबल डोर्स को ऑफ़ कर दें तो ये सिंगल बन चुका है। और अब आप नोट करें तो ये मैं अगर बढ़ा रहा हूँ, ओपन ज़्यादा हो रहा है तो ये ओपन हो रहा है, और इफ़ यू वांट टू मेक इट क्लोज सो देन यू कैन प्रेस ऑन दिस क्लोज। तो ये अभी हमने जस्ट थोड़े से ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं, आप मज़ीद ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, डोर्स की ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, जितनी ज़्यादा आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे और डोर्स लगाएं इस घर के अंदर ताकि आपका जो प्लान है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। सो इस टॉपिक के अंदर हमने दरवाजे जो हैं वो फॉर्मली लगाना सीख लें, घर हमारा मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है, दीवारें खड़ी हो गई हैं, मटेरियल भी थोड़ा बहुत अप्लाई हो चुका है, मज़ीद अप्लाई करेंगे, दरवाजे लग गए, अब हम विंडोज़ लगाएंगे और देन रूफ़ और हम मूव करेंगे मटेरियल और रेंडरिंग की तरफ।